दोस्तों आज हम डालने रेडर में क्लच प्लेट जो कि इसमें काफ़ी बड़ी समस्या है। इसमें दो तीन हमने क्लच प्लेट डाल चुके हैं, मैकेनो विंडो सब फोंक दी इसके अंदर, तो इसमें जो बड़ी प्रॉब्लम है क्लच प्लेट की प्रॉब्लम है, आज हम बताते हैं कैसे। तो दोस्तों हमने इसमें क्लच प्लेट डाली थी पहले, तो इसमें जो पहले हमने क्लच प्लेट डाली थी वो डाली थी हमने मैकेनो कंपनी की गाड़ी के अंदर से निकली थी, मैकेनो की हमने क्लच प्लेट डाली थी। तो वो गाड़ी जो थी वो चली थी करीबन 13,000 किलोमीटर पर, जो कंपनी दी थी वो क्लच प्लेट डाली थी हमारी। उसके बाद डाली हमने मैकेनो क्लच प्लेट, वो चली इसके अंदर 7,000 किलोमीटर, और 7,000 किलोमीटर चलने बाद वो मैकेनो की क्लच प्लेट भी फूक गई। उसके बाद डाली थी हमने इसमें SCC की क्लच प्लेट, तो SCC की क्लच प्लेट उसने भी वो भी एक दिन में वो फूक दी। उसके बाद फिर हमने ई वाली क्लच प्लेट डाली उसके अंदर MK की, तो MK की भी इसने क्लच प्लेट अपनी एक दो दिन में इन्हें भी खराब कर दी, मतलब गाड़ी हमने बिल्कुल नहीं चल रही जैसे बिल्कुल फूक जाती है। तो हमने सारा सामान ही हमने एजेंसी से परचेस कर लिया है TVS का ही, और अब हम जब भी आप एक गाड़ी की क्लच प्लेट खराब होंगे, स्टार सिटी हो गई, स्टार स्पोर्ट हो गई, TVS की, इसमें तो मैकेनो या ये सब चल जाती हैं, तो इसका क्लच का बिल्कुल सेट अलग है। इसकी क्लच प्लेट जैसे कि आप डालो तो उसका डालने का आपको तरीका और बता दूंगी। जैसे कि आप क्लच प्लेट नहीं खोलते हो तो इसे सबसे पहले ये क्लच प्लेट हमने ले ली है, दे सकते हैं ये क्लच प्लेट उनसे महंगी भी है। जैसे कि इसकी लिस्ट आ रही है 520 रुपये क्लच प्लेट की TVS, और ये इसकी क्लच प्लेट जो हमने परचेस करी है ये TVS। और इसके क्लच प्लेट जैसे कि आप खोलो पैकिंग में से, तो इसकी क्लच प्लेटों को अलग अलग रख रहे हैं, बिल्कुल इस तरीके से रखें, और इसी तरीके से आपको एक उठा के डाल ली है। क्योंकि कंपनी की क्लच प्लेट जो देती है वो बिल्कुल सेट देती है अपने हिसाब से, चाहे इधर से स्टार्टिंग कर लो चाहे इधर से डाल लो। और हमने आपने से क्लच प्लेट ऊपर नीचे करी तो उसमें क्लच प्लेट भी थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो क्लच प्लेट जब भी खोले से इस तरीके से ही अपने डालनी है। और ये आगे इसकी अपनी गाड़ी की प्रेशर प्लेट जो दे सकते हैं 176 रुपए इसकी MRP है। ये हम प्रेशर प्लेट भी इसके अंदर नहीं डालेंगे, फिर तीन बार हम डाल चुके हैं, बार कंपनी की थी, ये इसकी प्रेशर प्लेट, तो प्रेशर प्लेट जो इसी तरीके से यहाँ रखेंगे। और ये हो गया अपनी गाड़ी का हब, तो हब है 273 रुपए का, क्योंकि बार बार गाड़ी चल के ये फील्ड में और बार बार गाड़ी में क्लच में दिक्कत आ रही है दो तीन दिन में, तो इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान बिल्कुल TVS से परचेज करके और बिल्कुल ये डाल देंगे। फिर क्लच का सारा सामान हो गया नया, ये हो गया अपना सेंटर, तो इसकी जो है अपने 221 रुपये की MRP है, ये भी हम इसमें नया डालेंगे। ये अपना सेंटर क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट धीरे धीरे कि यदि SCC की इसके अंदर कंपनी का हमने अभी आपके सामने खोला है, SCC का इसके अंदर से ये निकला अपना सेंटर, तो हमने SCC की इसके अंदर क्लच प्लेट डाली थी, SCC तो आज डाली और कल खराब, जो हमने SCC की क्लच प्लेट डाली थी इसके अंदर। मैकेनो की कामयाब नहीं हुई इसके अंदर, ना MK की कामयाब हुई, हमने लिए TVS की जेन्युइन, और रेडर की इसकी जो क्लच प्लेट है वो बिल्कुल अलग ही है, और आप स्टार सिटी या स्टार स्पोर्ट की डालोगे तो बिल्कुल कामयाब नहीं होने की है, चलने की नहीं है। जब भी क्लच प्लेट डालनी है आपको इसी कंपनी की डालनी है, मार्केट में मिलती है तो ठीक है, नहीं तो आपको एजेंसी से परचेस करनी पड़ेगी अपने। और जैसे कि मैंने आपको बता चुका था पहले, क्लच प्लेट हमने बिल्कुल इस तरीके से आगे अपने एक एक करके रख ली अपनी, ये आगे अपनी क्लच प्लेट, फिर अपने ये प्रेशर प्लेट इसके अंदर, अरे एक ऐसे उठा के अपना क्लच प्लेट इसके अंदर डलते रहेंगे। और इसके अंदर भी जो SCC की इसके अंदर ये निकली जो कि हमने पहले डाली थी वो हो गई थी खराब, जो हमने मार्केट से लेकर डाली थी क्लच प्लेट, और ये अपनी प्रेशर प्लेट, ये अपनी क्लच प्लेट, और ये जो इससे भी लिख रहा होगा SCC क्लच प्लेट पर जरूर ये लिख रहा है SCI, तो ये भी हमने डालनी थी क्लच प्लेट, ये हो गया, ये हो गया अपना सेंटर, ये इसका निशान होता है सेंटर का, बाकी अगर हम इससे अलग लगाते हैं तो अपना क्लच ये नहीं बैठेगा इस तरीके से, ये बैठेगा इसका सेंटर बिल्कुल सही आएगा अपनी जगह, तो अपने ये आएगा सेंटर। अब ये क्लच प्लेट पूरा सेट हो गया, क्लच का बिल्कुल नया, जैसे कि कंपनी से आधा बिल्कुल आनी नहीं है, इसका अंदर जो इंजन ऑयल भी जो हमने डाला वो डाला हमने कैस्ट्रोल एक्सपी, और ये क्लच हो गया अपना पूरा सेट नया, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है क्लच प्लेट खराब होने की जल्दी। अब इसे डाल के देखते हैं अपनी गाड़ी कितनी चलती है गाड़ी, तो प्रॉपरली देख लो दोस्तों, हम लोग इसको जो है वो प्रॉपरली इसका फिट करा जा रहा है, ठीक है। फिटमेंट आप लोग इसका जरूर ध्यान रख लेना कि किस किस तरीके से करना है, और अगर जैसे देखा जाएगा कि तो पहले जो हमने इसका बॉक्स था वो पूरा पहले ही कर लिया था, और अब देखो वो प्रॉपरली फ्री होकर घूम रहा है, तो यहाँ कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जिन लोगों को बार बार रेडर के अंदर ये क्लच प्लेट की प्रॉब्लम आ रही है, तो भाई वो लोग क्या है, वो इसके अंदर जो सक्सेस है वो एजेंसी से ही ओरिजिनली आप इसके अंदर डलवाएं, और सेम इसी कंपनी की, मतलब इसी की रेडर ही, रेडॉन की ही नाम लेकर इसी की आपको लगवानी है,
क्योंकि अगर देखा जाए कि ये वाला जो इंजन है वैसे ये 110 सीसी का इंजन है, लेकिन अगर आप देखोगे तो स्टार सिटी का और इसके इंजन में काफी फर्क है। जैसे स्टार सिटी 110 में आती है लेकिन इसके और उसमें काफी फर्क है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि कल को ये ना हो कि आपने इसकी जगह पे स्टार सिटी की डाल दी या ये डाल दी तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, इसलिए इसमें आप ये ही डालो। तो देख लो ये जो है प्रॉपरली अपना इंस्टॉल हो चुका है आराम से, इजी और देख भी दोगे आप कितने आराम से ये फ्री होके हो रहा है। एक चीज आप लोग जरूर ध्यान रख लो वीडियो के अंदर, मैं आप लोगों को एक चीज और बताऊं, क्लच फूकने का भी एक रीजन एक और ये होता है कि क्लच को बार बार प्रेस करना है, या बहुत से लोगों को आदत होती है हाफ क्लच यानी हल्का सा क्लच पे हाथ रख दिया वहां भी ये जो क्लच प्लेट है यहाँ वहां भी हमारी फूक जाती है। तो इसलिए एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप गाड़ी में गियर डालें तो भाई क्लच को एक साइड से बिल्कुल छोड़ दें, ताकि ये प्रॉब्लम ना आए कि आपकी क्लच प्लेट फूकने की भी। तो इसमें क्या है, कभी कभी जो राइडर होता है चलाने वाला होता है उसको भी ये आ जाता है प्रॉब्लम कि हाँ भाई यार क्लच प्लेट फूक रही है। तो उसमें ये रीजन होता है कि या तो आप कभी कभी ऐसा होता है कि हल्का सा ब्रेक दबा के चल रहे हो या हल्का सा क्लच दबा के चल रहे हो तो वहां पे माइलेज ड्रॉप भी होते हैं, क्लच प्लेट भी फूकने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने एक एक करके बोल्ट इसका फिट कर रहे हैं, मतलब एक एक करके धीरे धीरे करके टाइट कर रहे हैं। एकदम से आप टाइट करोगे तो आधा टेढ़ा होने लग जाएगा, तो वहां पे क्या सेटिंग सही नहीं बैठेगी। इसलिए हमेशा जब भी आप इसको इसके चारों स्क्रू टाइट करो तो आराम से हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा एक इधर का कर लिया, फिर एक ऊपर का कर लिया, फिर राइट का कर लिया, फिर देन लेफ्ट का कर लिया। तो इन तरीकों से आप लोग इसको करते हुए चलो। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि भाई जब भी आप इसको टाइट करो या लूज करो तो किस किस तरीके से आपको खोलना, और स्प्रिंग को देखो किस तरीके से यहाँ पे भाई सब जो है वो सेट कर रहे हैं। एक एक स्प्रिंग को आराम आराम से तरीके से सेट करना है, जल्दबाजी वाला काम नहीं होता, ये आराम से फुर्सत वाला काम है। देख लो यहाँ पे जो एक बैरिंग थी इधर के साइड पे वो भी इसकी इंस्टॉल कर दी गई है, और ये जो इसका ऑयल पंप है जो कि क्रैंक की तरफ में ऑयल को सर्कुलेट करवाता है। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी जब भी आप इसको क्लीन करो तो इसको भी अच्छे तरीके से साफ जरूर कर लेना इस वाले पार्ट को, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों प्रॉपरली जो है इसका जो साइड कवर है वो भी इसका लगा दिया गया है, यानी क्लच प्लेट का जो प्रोसेस था वो सारा इसका खत्म हो गया है। ठीक है, तो देख लो अब क्या है, इसके जितने भी फिटमेंट ही वो सब कर दिया, और अब क्या है इसके जितने भी बोल्ट हैं वो सारे के सारे बोल्ट इसमें लगाए जा रहे हैं। अब वीडियो के अंदर हम लोग दिखा देते हैं किसकी जो क्लच प्लेट है, अब ये जो चौथी बार इसकी चौथी बार। तो दोस्तों देख लो 20,298 किलोमीटर्स, यानी 20 इतने में इसके तीन बार क्लच प्लेट बदल चुकी है। तो यार मेरे हिसाब से TVS क्या कर रहा है, ऐसे भी मत करो, कितनी बुरी हालत हो जाए, लोग भरोसा करके गाड़ी खरीदते हैं, इतनी जल्दी जल्दी क्लच प्लेट फूक रही है। और बाकी अगर देखा जाए तो ये जो गाड़ी है BS6 वाली है, ठीक है, और यहाँ पे देख लोगे FI लिखा हुआ है, यहाँ पे ETFI इको थ्रस्टी FI। तो यहाँ पे क्या, चलो क्लच प्लेट फूक गई, ये तो खैर कंपनी भी इस चीज़ की वारंटी नहीं देता है, लेकिन यार थोड़ा सा तो ऐसा कुछ करो कि भाई इतनी जल्दी क्लच प्लेट ना फूके, तो यहाँ पे जरूर ध्यान। दोस्तों गाड़ी कर दी हमने फिट, ये देखिए हमने ये डाली थी, देख सकते हैं हमने आपको ये चीज़ बताया था FCC की हमने क्लच प्लेट डाली थी इससे पहले। तो ये जो अपने FCC जो क्लच प्लेट है ये अपनी स्प्लिंटर की क्लच प्लेट है, और आप देख सकते हैं आपने स्प्लिंटर क्लच प्लेट इसके अंदर डाल दी FCC की, तो गाड़ी आपकी नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलने वाली है, क्योंकि FCC के अंदर क्लच प्लेट डाली थी। मुश्किल से इस गाड़ी 200 किलोमीटर भी नहीं चली थी, गाड़ी ने अपना काम करना बंद कर दिया, क्लच प्लेट की फूक। आप मान लो जैसे कि साइकिल भी तेज चलेगी, ये दो दिन में इनकी इतनी बुरी हालत हो गई थी, और आपके पास रेड ऑन गाड़ी है और आपकी गाड़ी की क्लच प्लेट हो गई है खत्म। तो हमेशा याद रखो इस गाड़ी का जो है क्लच प्लेट कंपनी ने अलग ही बनी है, स्टार सिटी, स्टार स्पोर्ट, स्प्लेंडर, इन गाड़ी की क्लच प्लेट इसके अंदर काम नहीं करेंगी। इसके अंदर जो काम करेंगी इसके अंदर रेडर कंपनी की, जो की गाड़ी के साथ की क्लच प्लेट है रेडर, इसकी क्लच प्लेट अलग बनी है, तो इसके अंदर यही काम करेंगे। क्लच प्लेट नहीं मिलती है किसी वजह से बाई चांस, तो आप इसके अंदर डालेंगे शाइन की क्लच प्लेट है, या फिर करेंगे शाइन की क्लच प्लेट जो कि आपको आसानी से मिल जाएंगी। और वैसे आप जो कोशिश करें सबसे पहले करें रेडर कंपनी की डाल, रेडर की कंपनी तो TVS है, रेडर की क्लच प्लेट डालें जो कि गाड़ी में रेडर के नाम से ही खरीदे, क्योंकि हमने डाली थी FCC की क्लच प्लेट है, तो ये मुश्किल से 200 किलोमीटर पे हमारी क्लच प्लेट गई फूक। अब जो हमने कंपनी से परचेस करके गाड़ी उसके अंदर भी अपनी आपने देखा होगा, हमने पन्नी पैकिंग खोली थी तो उसके अंदर भी FCC की क्लच प्लेट निकली थी, और FCC की यही क्लच प्लेट है, पर ये है स्प्लेंडर की क्लच प्लेट, और जो डाली है वो हमने डाली है इसी की कंपनी से, इसी के नाम से परचेज करी है गाड़ी, क्लच प्लेट जो हमने परचेज करी है। तो हम देखते हैं गाड़ी हमने ठीक हो गई, ठीक चल रही है, हम देखते हैं गाड़ी कितनी मतलब क्लच प्लेट फूक गई या सही चलती है। वैसे तो हमारे हिसाब से क्लच प्लेट अब फूक ही नहीं चाहिए गाड़ी की, क्योंकि हमने रेडर ही तो कंपनी में भी बात, अगर आप किसी और गाड़ी की डालोगे इसमें नहीं चलेंगी क्लच प्लेट, तो उससे हमें भी तजुर्बा हो गया, हमने भी अपनी जेब से इसमें दो क्लच प्लेट फूक, तीन क्लच प्लेट डाल दी हमने, दो की तीनों नहीं चली, न इसमें मकैनो चली, न इसमें MK चली, न इसमें FCC चली।
ये तीनों गाड़ी की कलच प्लेट डाली थी हमने, वो डाली थी हमने स्प्लेंडर की और एक स्टार्टर की जो कि नई कंडीशन के अंदर काम।